गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने बिना मात्रा वाले दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्दों का अभ्यास किया था। आज हम बिना मात्रा वाले चार अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों ये किसका पिक्चर है, किसका पिक्चर है? ये अजगर। किसका पिक्चर है? अजगर। तो अजगर कैसे लिखेंगे हम? आ प्लस ज प्लस ग प्लस र। अब इसको मिलाकर क्या बन गया? ये अजगर। क्या बन गया? ये अजगर। आ ज ग र अजगर। ये प्लस हटा देंगे हम और मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन गया? ये अजगर। बच्चों ये किसका पिक्चर है? अचकन। तो कैसे लिखेंगे इसको? आ प्लस च प्लस क प्लस न। अब इसको मिलाकर क्या लिखेंगे हम? आ च क न अचकन। मिलाकर क्या बन गया? ये अचकन। बेटा ये किसका पिक्चर है? अदरक। किसका पिक्चर है? अदरक। आ प्लस द प्लस र प्लस क। मिलाकर क्या बन गया? ये आ द र क अदरक। मिलाकर क्या बन गया? ये अदरक। बेटा ये चार वर्ण हो गए, एक दो तीन चार, ठीक है। ये किसका पिक्चर है बेटा? थर्मस। किसका पिक्चर है? थर्मस। तो कैसे लिखेंगे इसे? थ प्लस र प्लस म प्लस स। मिलाकर क्या बोलेंगे इसे? थर्मस। थ र म स थर्मस। क्या बन गया ये मिलाकर? थर्मस। इसी तरह से ये किसका पिक्चर है बेटा? बर्तन। कैसे लिखेंगे? ब प्लस र प्लस त प्लस न। अब मिलाकर कैसे लिखेंगे इसे? बर्तन। ब र त न बर्तन। ये किसका पिक्चर है बेटा? बरगद। बरगद का पेड़ होता है बरगद। ब प्लस र प्लस ग प्लस द। मिलाकर क्या बन गया? ये बरगद। ब र ग द बरगद। ये किसका पिक्चर है बेटा? शरबत। ग्लास के अंदर क्या है? शरबत। श प्लस र प्लस ब प्लस त। मिलाकर क्या बन गया? ये शरबत। शरबत। क्या बन गया बेटा? ये शरबत। ये किसका पिक्चर है? तरकश। किसका पिक्चर है? तरकश। त प्लस र प्लस क प्लस श। अब मिलाकर कैसे लिखेंगे इसे? तरकश। त र क श तरकश। मिलाकर क्या बन गया? तरकश। तो बेटा ये थे हमारे चार वर्णों वाले शब्द। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अ ज ग र अजगर। अ च क न अचकन। अ द र क अदरक। थ र म स
थर्मस, बरतन बर्तन, बरगद बरगद, शरबत शरबत, तरकश तरकश। तो ये बेटा हमारे चार अक्षर वाले शब्द हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिखकर बोल बोल कर लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।